नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिकल से आईटीआई करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, नौकरी देगी नीतीश सरकार। मौसेरी बहन के बदले दे रही थी मैट्रिक की परीक्षा, निरीक्षण के दौरान एसडीओ ने पकड़ा। बिहार के 400 मुखिया के लिए बुरी खबर, डीएम को अरेस्ट करने का निर्देश, नहीं बचेंगे घोटालेबाज। सीएम नीतीश ने पीएम मोदी से की बड़ी मांग, देश भर में बिजली का दाम एक करने को कहा। ओवरलोडिंग और विशेष मास्क जांच अभियान की शुरुआत, नियमों का उल्लंघन करने पर 563 लोगों पर की गई कार्रवाई। सीतामढ़ी में भी कोरोना घोटाला, 30,000 लोगों के नंबर निकले फर्जी। दो दिवसीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता की शुरुआत, खेल मंत्री आलोक रंजन झा ने किया उद्घाटन। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर जमा होंगे नामांकन फॉर्म, जानिए क्या है राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी। फिर लगने जा रहा है नीतीश कुमार का जनता दरबार, जाने कहां और किस दिन सीधा मुख्यमंत्री से कर सकते हैं अपनी शिकायत। मांझी उप डाकघर में 17 लाख की सरकारी राशि का गबन, तत्कालीन उप डाकपाल समेत 3 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। अब खबरें विस्तार से। बिहार में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, वेल्डर या अन्य किसी ट्रेड से आईटीआई करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार के सभी सरकारी आईटीआई का सर्टिफिकेट अब देश भर में मान्य होगा। केंद्र सरकार ने एनसीईआरटी को मान्यता दे दी है, इससे स्टूडेंट्स को काफी फायदा होगा। बिहार के सभी 149 सरकारी आईटीआई को केंद्र सरकार से मान्यता दे दी गई है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि अब जो भी छात्र बिहार के इन कॉलेजों से पास होंगे उनकी डिग्री को मान्यता देश भर में होगी। उन्होंने आगे कहा कि 26,904 छात्र छात्राओं को एक समान डिग्री मिलेगी, इसका फायदा छात्रों को देश और विदेशों में मिलेगा। छात्रों को ऑन जॉब ट्रेनिंग दिलवाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और वर्तमान बाजार मांग के अनुरूप अन्य लोकप्रिय व्यवसाय शुरू किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि 9 जिलों में एक एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की गई है। इन 9 संस्थानों में 5 भवन तैयार हो चुका है। इन योजना के अंतर्गत सभी आईटीआई के कुशल प्रबंधन के प्रावधान के अनुरूप संस्थान प्रबंधन समिति का गठन भी किया गया है। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के चौथे दिन एक छात्रा को मौसेरी बहन के बदले परीक्षा देते पकड़ा गया। मामला त्रिवेणीगंज के अनूपलाल यादव कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र का है, जहां फर्जी परीक्षार्थी निशु कुमारी पर यह आरोप है कि अपनी मौसी की बेटी स्मिता कुमारी के बदले वह मैट्रिक की परीक्षा दे रही थी। अंग्रेजी की परीक्षा के दौरान एसडीओ जेड हसन ने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया, तब इस फर्जीवाड़े का पता चला। फिलहाल फर्जी परीक्षार्थी को त्रिवेणीगंज पुलिस के हवाले किया गया है। वहीं जिस छात्रा के बदले परीक्षा में बैठी थी उस छात्रा को भी निष्कासित कर दिया गया है। बिहार पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले सैकड़ों मुखिया के लिए बुरी खबर है। दरअसल नीतीश कुमार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। बिहार के पंचायती राज विभाग के अनुसार नल जल योजना का कार्य पूरा नहीं करने वाले मुखिया और वार्ड सदस्यों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जिन पंचायतों में काम अधूरा है उन पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को अगले पंचायत चुनाव लड़ने में कठिनाई हो सकती है। पंचायती राज विभाग इसकी सूची बना रहा है कि किन किन जिलों के मुखिया और वार्ड सदस्यों ने इस काम को नहीं कराया है, इस बार उनके पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि पैसा मुखिया के पास जाता है और उन्हें ही वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति से काम कराना है। योजना पूरी नहीं होने पर मुखिया और वार्ड सदस्य दोनों जिम्मेदार माने जाएंगे। लंबित वार्डों वाले जिम्मेदार मुखिया की संख्या करीब 400 है। उन्होंने सभी डीएम को पत्र लिखकर जिन मामलों में FIR दर्ज हुई है उनमें जल्द गिरफ्तारी करवाने का निर्देश दिया है। कई मामलों में संवेदक और वार्ड सदस्यों की मिली भगत से राशि गबन किए जाने का मामला उजागर होने की बात कही जा रही है। डीएम ने निर्देश दिया है कि जिन मामलों में प्राथमिकी दर्ज हुई है उन सभी में अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश भर में बिजली का दाम एक रखने की मांग की है। शनिवार को नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ने वन नेशन वन रेट की मांग की है। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में बिहार ने कई काम शुरू किए, हर घर बिजली पहुँचाने की योजना बनाई और सभी लोगों तक बिजली पहुँचा दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर बिजली पहुंचाने में केंद्र सरकार को भी काफ़ी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि साल 2018 के अक्टूबर महीने में हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। उन्होंने कहा कि बिहार में NDA को साल 2005 में काम करने का अवसर मिला। उस समय बिजली की खपत 700 मेगावाट थी, लेकिन 2020 में जून महीने तक बिजली की खपत 5932 मेगावाट
तक पहुंच गई है। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार 5000 करोड़ से भी ज्यादा का अनुदान लोगों को देती है। बिहार के लोगों को कम से कम कीमत पर बिजली पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बिहार सरकार ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना शुरू कर दिया है। अब केंद्र सरकार भी इसे लागू कर रही है। इसके कारण बिजली का दुरुपयोग अब नहीं होगा। बिजली का दुरुपयोग होने से पर्यावरण पर भी संकट उत्पन्न होता है, इसीलिए शुरू से ही बिहार में प्रीपेड स्मार्ट मीटर की बात कही है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के प्लांटों के माध्यम से अलग अलग राज्यों में बिजली दी जाती है, उसका रेट भी अलग अलग होता है, इसीलिए एक नीति बननी चाहिए, यानी कि पूरे देश में वन नेशन वन रेट होना चाहिए। बिहार को बिजली काफ़ी महंगी मिलती है, जिससे लोगों को राज्य सरकार की ओर से ज़्यादा अनुदान देना पड़ता है। पूरे देश के लिए एक नीति कर दी जाए तो ये अच्छा होगा। मुख्य सचिव के निर्देश पर ओवरलोडिंग और विशेष मास्क जांच अभियान की शुरुआत की गई। जिला पदाधिकारी की टीम द्वारा सभी 38 जिलों में यह अभियान चलाया गया। इस बात की जानकारी परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि बिना मास्क लगाए बस और ऑटो में यात्रा करने पर कंडक्टर, ड्राइवर और यात्रियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं ओवरलोडिंग किए जाने पर वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। आज नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 563 लोगों पर कार्रवाई की गई। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर मास्क लगाने की अपील की गई और मास्क लगाने के फायदे भी बताए गए। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि अभी कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है, इसीलिए हमें सचेत रहने की जरूरत है। कई राज्यों में तो फिर से कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, इसीलिए यात्रा करते समय मास्क जरूर पहने और भीड़भाड़ वाले जगहों पर विशेष ध्यान रखें। उन्होंने बताया कि बस और ऑटो में क्षमता से अधिक यात्रियों को लेकर वाहनों का परिचालन करने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी, उनसे जुर्माना लिया जाएगा एवं परमिट रद्द करने की भी कार्रवाई की जाएगी। बस ऑटो में ओवरलोडिंग के विरुद्ध लगातार सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। ओवरलोडिंग वाहनों को परिचालन किया जाना सड़क सुरक्षा नियम एवं मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करना है, इससे सड़क दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। बिहार के सीतामढ़ी में भी बड़े पैमाने पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा हुआ है। जिले के 3 प्रखंडों के स्वास्थ्य केंद्र में 30,000 लोगों के मोबाइल नंबर फर्जी मिले हैं, जिनके मोबाइल नंबर की जगह 000 और 111 लिखा है। इस कोरोना जांच किट घोटाला के सामने आने से जिले में हड़कंप मच गया है। सीतामढ़ी के पूर्व सांसद अर्जुन राय ने रैपिड एंटीजन की जाँच में फर्जीवाड़े को लेकर एक पीसी की। उन्होंने कहा कि सीतामढ़ी के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना जांच के नाम पर बड़े पैमाने पर घोटाला किया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना जांच के फर्जी आंकड़े भी उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन राकेश चंद्र सहाय वर्मा अपने घोटाले पर अपनी पीठ थपथपाते रहे। बगैर जाँच के ही कोरोना जाँच के नाम पर बड़े बड़े आंकड़े जिले में उपलब्धि के तौर पर दिखाए गए। सीतामढ़ी के 3 प्रखंड रूनी सैदपुर, डुमरा, रीगा स्वास्थ्य केंद्रों से जो दस्तावेज हाथ लगे हैं उसमें 30,000 लोगों के नाम से फर्जी मोबाइल नंबर मिले हैं। मोबाइल नंबर की लिस्ट में नंबर की जगह 0000 और 111 अंकित है। बीजेपी क्रीड़ा प्रकोष्ठ की ओर से राजधानी के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 दिवसीय स्वर्गीय रामदेव महतो महिला पुरुष ताइक्वांडो प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। ताइक्वांडो प्रतियोगिता का उद्घाटन बिहार सरकार के खेल मंत्री आलोक रंजन झा और खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर क्रीड़ा प्रकोष्ठ के अधिकारी द्वारा सम्मानित अतिथियों को पुष्प गुच्छ, शॉल एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सूबे के खेल मंत्री आलोक रंजन झा ने कहा कि अनुशासन का प्रथम पाठशाला खेल के मैदान में ही देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ समय समय पर विभिन्न खेल कार्यक्रमों का आयोजन पर खिलाड़ियों के हित में अच्छा कार्य करते रहेगा। उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि मुझसे जो भी खिलाड़ियों के हक के लिए उचित होगा मैं सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा। बतौर विशिष्ट अतिथि बिहार सरकार के खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने क्रीड़ा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को प्रशंसा करते हुए कहा कि सतीश राजू के नेतृत्व में क्रीड़ा प्रकोष्ठ खेल के हित के क्षेत्र में एवं खिलाड़ियों को समुचित विकास के लिए संकल्पित है। हाल ही में कोरोना काल में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग द्वारा प्रत्याशियों को ऑनलाइन नामांकन पत्र भरने की आज़ादी दी गई थी, लेकिन उस नामांकन पत्र को प्रिंट आउट करके ऑफलाइन जमा करने की भी अनिवार्यता थी।
ठीक इसी तरह का आदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार पंचायत चुनाव में भी दिया जा सकता है, इसकी तैयारी की जा रही है। पंचायती राज चुनाव त्रिस्तरीय होते हैं। जिला परिषद सदस्यों का चयन मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति के साथ वार्ड सदस्यों एवं पंचों का चयन किया जाता है। जिला परिषद के लिए SDM को निर्वाची पदाधिकारी बनाया जाता है, तो मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड एवं पंच चुनाव के लिए BDO को निर्वाची अधिकारी बनाया जाता है। इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन नामांकन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद उसके पोर्टल पर नामांकन फॉर्म जारी किया जाएगा और उस तय तारीख तक ही कार्यशील रहेगी। इस दौरान ऑनलाइन नामांकन करने वाले प्रत्याशी का पत्र सीधे पटना कार्यालय पहुंचेगा, जहां से संबंधित जिला को भेजा जाएगा। जिला से संबंधित प्रखंड कार्यालय को ऑनलाइन भेजा जाएगा। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम एक बार फिर से शुरू हो रहा है। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिलों से आने वाले लोगों से मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में रूबरू होंगे। पहले की तरह प्रत्येक सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री उपस्थित होंगे। प्रत्येक सोमवार को अलग अलग विभागों के मामले लिए जाएंगे और संबंधित विभागों के अधिकारी भी जनता दरबार में मौजूद रहेंगे। CM सचिवालय की ओर से इसकी तैयारी शुरू हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि जब से कोरोना का टीका आम लोगों को शुरू हो जाएगा, उसके तुरंत बाद जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को विधानसभा स्थित अपने कक्ष में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना का संकट नहीं होता तो इससे पहले ही शुरू कर दिया जाता, लेकिन अब टीकाकरण शुरू हुआ है। अगले 1 से 2 महीने में आम लोगों को भी टीका दिया जाना लगेगा, इसके बाद जनता दरबार को शुरू कर दिया जाएगा। बिहार के सारण जिला स्थित मांझी उपडाकघर में करीब 17 लाख रुपए सरकारी राशि फर्जी निकासी कर गबन कर लिए जाने का खुलासा होने के बाद तत्कालीन उप डाकपाल समेत 3 डाककर्मियों के खिलाफ मांझी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। डाकघर में घोटाले की खबर से उपभोक्ता आश्चर्यचकित हैं और सभी अपने अपने खाते की जांच कराने के लिए शनिवार को डाकघर पहुंचे। इसी बीच लिंक फेल होने का बहाना बनाकर डाकघर के कर्मचारी व पदाधिकारी फरार हो गए। दिन भर डाकघर बंद रहा। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।